नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ में विषम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों का यानी कि दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे इसका कम्प्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले दोस्तों, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम 27/12/2022 से प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसे आप 20/12/2022 से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने के बाद अगर उसमें किसी भी प्रकार का मिस्टेक रहता है तो आप अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट करें, ताकि आने वाले रिजल्ट में आपका नाम या फिर जो भी मिस्टेक है वह एकदम सही से प्रिंट हो। और दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या आता है तो यहाँ पर नीचे में हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, snpvraigarh.in। इस वेबसाइट के ओपन हो जाने के बाद दोस्तों, हमें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर का, जिसमें यहाँ पर दोस्तों तीसरे नंबर ऑप्शन में एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें हमें क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, इस प्रकार से नया पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सर्च एडमिट कार्ड के नीचे में यहाँ पर सर्च बाय दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप 3 प्रकार से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना यूज़र आईडी, आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर। इन तीनों में से आप किसी भी आईडी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है, यूज़र आईडी, आधार कार्ड या फिर इनरोलमेंट नंबर, तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि आपका आधार नंबर आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एडमिट कार्ड टाइप में आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मेन या सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो दोस्तों अभी पोस्ट ग्रेजुएशन सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम हो रहा है, तो यहाँ पर आपको मेन या सेमेस्टर एग्ज़ाम फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सर्च टेक्स्ट, तो सर्च टेक्स्ट वाले ऑप्शन में दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर फर्स्ट में आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर सर्च टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको आधार नंबर फिलअप करना है। और जैसा कि यहाँ पर आप फर्स्ट में यूज़र आईडी या फिर इनरोलमेंट नंबर सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सर्च टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको यूज़र आईडी या फिर इनरोलमेंट नंबर फिलअप करना है। डिटेल फिलअप कर लेने के बाद यहाँ पर सर्च एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा, जिसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।